हाय, दिस इज मनीष शर्मा। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टार्ट करते हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस कल के सेशन के लिए, एंड विल डिस्कस द स्टॉक्स एज वेल। सो मैंने आपको लास्ट वीडियो में क्लियरली बताया था कि बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी अपनानी है, अगर कोई डिप मिलता है तो आपको बाय करना है। और आज अगर आप टेलीग्राम में देखो तो मॉर्निंग में ही मैंने मैसेज दे दिया था कि बैंक निफ्टी लुक्स वीक, यानी बैंक निफ्टी मॉर्निंग में ही थोड़ा वीक लग रहा था। हम लोगों ने शॉर्ट किया और हम लोगों ने राइट टाइम पे एग्जिट किया है, और अभी भी व्यू बुलिश ही है। अगर आप देखो तो बाय ऑन डिप्स हुआ, एक डिप आया और वापस पूरा का पूरा रिकवरी हो गया। मैंने जो आपको टारगेट दिया था लास्ट वीडियो में वो अभी भी मेंटेन है, 11,340, 11,350 फॉर निफ्टी एंड 23,500 फॉर बैंक निफ्टी। अब एनालिसिस करते हैं कल के सेशन में क्या क्या पॉसिबिलिटीज हैं। ये जो आज का हाई है अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि अगर आज का हाई निकल जाता है 11,203, अगर ये हाई निकल जाता है तो डेफिनेटली 100-150 पॉइंट का हमें और अपमूव देखने को मिल सकता है, जो कि हमारा टारगेट पॉसिबल है 11,340 कह रहा हूँ। सो 11,203 अगर क्रॉस करता है तो ये वापस बुलिश हो जाएगा और 100-150 पॉइंट्स का अपमूव हमें देखने को मिल सकता है। 11,350 के टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। बैंक निफ्टी में भी अगर आप देखो, आज का हाई अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आज का हाई है 23,140। सो ये लेवल क्रॉस कर लेता है एक बार तो बैंक निफ्टी में भी 300-400 पॉइंट का और हमें अपमूव देखने को मिल सकता है। इसलिए मैंने जो आपको टारगेट दिया वो कैलकुलेट करके दिया है 23,500 के अराउंड। सो आज का हाई अब आप नोट डाउन कर लो, आज का हाई अगर क्रॉस करता है तो निफ्टी भी बाय रहेगा और बैंक निफ्टी भी बाय रहेगा। और अभी भी व्यू थोड़ा बुलिश ही है, तो क्लोजिंग हुआ वो स्ट्रांगली क्लोज हुआ है। अब कल एक्सपायरी है तो कल हम देखते हैं, हो सकता है थोड़ा बहुत शॉर्ट कवरिंग हो या प्रॉफिट बुकिंग हो। तो मैंने आपको लेवल्स बता दिया है, 11,200 के ऊपर निफ्टी बुलिश रहेगा और बैंक निफ्टी 23,150 के ऊपर। अब डिस्कस करते हैं स्टॉक्स। मैंने आपको लास्ट वीडियो में SRF शॉर्ट दिया था। SRF में आज अगर आप देखो 3800 के नीचे मैंने आपको शॉर्ट दिया था, यहाँ पर आपका शॉर्ट ट्रिगर हुआ, ठीक है। ये एक इसने एक स्पाइक बनाया और उसके बाद आप देख सकते हो कितना बड़ा फॉल आया, ठीक है। इसमें इंट्राडे में काफी अच्छा पैसा बना है, आई एम श्योर आप लोगों ने पैसा बनाया होगा। डाबर काफी अच्छा ट्रेड था आज, डाबर में काफी अच्छा प्रॉफिट बना, आई एम श्योर आप लोगों ने डाबर में भी काफी अच्छा पैसा बनाया होगा। ACC जो मैंने बाय दिया था वो लेवल ट्रिगर ही नहीं हुआ है, तो मैंने आपको 3 ट्रेड दिए थे, उसमें 1 ट्रेड ट्रिगर नहीं हुआ और 2 ट्रेड में प्रॉफिट आया। आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि आपने डाबर और SRF में प्रॉफिट कमाया है या नहीं कमाया। आप लोग प्रॉफिट कमा रहे हो, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक एंड शेयर जरूर करो, क्योंकि अभी मेरा चैनल थोड़ा स्मॉल है और आप लोग अगर सपोर्ट करोगे तो डेफिनेटली हम साथ में ग्रो करेंगे। अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है, अगर आपको ट्रेड कॉल्स अच्छे लग रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस कर देना। अब डिस्कस करते हैं कल के सेशन में कौन से स्टॉक्स पे ज्यादा ध्यान देना है। तो सबसे पहला स्टॉक होगा एशियन पेंट। एशियन पेंट अगर आप देखो 1700 राउंड ऑफ नंबर के नीचे क्लोज हुआ है, ठीक है, और आप देखो एक जिगजैग पैटर्न बना हुआ है, यहाँ पर एक चैनल में चल रहा है, एक रेंज में चल रहा है। मुझे लगता है अगर ये रेंज टूटता है तो एक 40-50 रुपए का फॉल हमें और देखने को मिल सकता है। तो एशियन पेंट काफी अच्छा शॉर्ट रहेगा, कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। सेकंड स्टॉक होगा LIC हाउसिंग फाइनेंस। LIC हाउसिंग फाइनेंस अगर आप देखो तो एक काफी अच्छा क्लासिकल प्राइस एक्शन पैटर्न बन रहा है इसमें। ये यहां से गिरा था, करेक्ट, रिट्रेस हुआ, वापस ये गिरा, वापस ये रिट्रेस हो रहा है एंड वापस गिरने के चांसेस ज्यादा है, करेक्ट। लेकिन आप देख सकते हो कि ये कंटिन्यूसली लोअर हाई बनाते जा रहा है और लोअर लो बनाते जा रहा है, ठीक है। तो ये थोड़ा वीक लग रहा है मुझे, कौन से लेवल पे शॉर्ट करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। एंड लास्ट स्टॉक होगा जी एंटरटेनमेंट। जी एंटरटेनमेंट अगर आप देखो एक बड़ा फॉल आया था, फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली आया, ठीक है, एक बड़ा फॉल आया है और अब यहाँ से एक शॉर्ट कवरिंग रैली हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से 6-7 रुपए का अपमूव के लिए हम ट्रेड कर सकते हैं जी एंटरटेनमेंट। कौन से लेवल पे बाय करना है मैं आपको टेलीग्राम चैनल में बता दूंगा। अगर आपको वीडियो और एनालिसिस अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग द वीडियो। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।